कुछ है मसीह की, हम आप सभी के बीच में परमेश्वर की महिमा के लिए एक गवाही देना चाहते हैं जो मेरे जीवन में घटी। और मेरा नाम सुनीला विक्टर, मैं गोरखपुर SDA चर्च के मेंबर्स हूँ। और परमेश्वर ने कैसे कैसे मेरे जीवन को बदला, मैं इससे पहले कि किसी दूसरे चर्च में थी, और कुछ साल पहले मैं जब सेवेंड एडवेंटिस्ट चर्च में आई और मुझे बहुत भरपूरी से ज्ञान मिला। मुझे किसी चीज़ का ज्ञान नहीं था। सबसे पहले मुझे दसवां अंश के बारे में बिल्कुल नहीं पता था कि दसवां अंश होता क्या है। जब मैं इस चर्च में आई और अपने दास के द्वारा हम लोगों ने सीखा दसवां अंश के बारे में, तो मैंने अपने हाथों से दसवां अंश निकालना शुरू किया। और मेरी बहुत सारी ऐसी कमियाँ थीं और उस कमी को मैं पूरा नहीं कर पाती थी, लेकिन परमेश्वर ने इस दसवां अंश के ज़रिए मुझे ऐसे ऐसे रास्ते खुदा ने खोले कि मेरे सारे रुकावट के जितने भी काम थे सब कुछ खुदा ने मेरा पूरा किया। और मैं धीरे धीरे अपने हाथों को बढ़ाती गई और परमेश्वर में मजबूत बनती गई, और बनते बनते आज इस मुकाम पे हूँ कि खुदा ने हमें हर चीज़ से स्वतंत्र रखा है। और मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, मेरे परिवार सब लोग परमेश्वर की महिमा के लिए सब लोग सुरक्षित हैं, और आगे परमेश्वर हम लोग को सुरक्षित संभाल के रखेंगे। और भी भाई बंधु के लिए हम इसी तरीके से प्रार्थना करते हैं कि दसवां अंश परमेश्वर का है वो हम सभी को देना है परमेश्वर के लिए। और आगे के लिए हम अपने वचन में ही देखेंगे मलाकी की किताब, उसकी 3 अध्याय उसकी 10 देखेंगे। सारे दसवां अंश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्त्र रहे, और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश की झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार की वर्षा करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद इस छोटी सी गवाही के लिए। परमेश्वर हमें आशीष दे और सुनने वालों को भी। सबको जय मसीह की। मेरा नाम सुशीन चक्रवर्ती है और मैं परमेश्वर में विश्वास रखता हूँ कि परमेश्वर ने हमारे परिवार को बहुत बढ़िया तरीके से चला रहे हैं। और कुछ दिन पहले मेरे माँ बाप ने हमको अलग कर दिए थे, मुश्किल 11 किलो गेहूँ देकर हमको अलग किए थे। इसके अलावा मेरे मम्मी पापा ने हमको कोई आमदनी नहीं दी है। और मैं वन विभाग में एक छोटा से मैं कार्यरत हूँ, मैं काम करता हूँ, और मेरा महीने का वेतन है सिर्फ 5,000 रुपये। और मैं 5,000 रुपये में से मैं परमेश्वर का दशमांश भी देता हूँ, और मेरा उसी 5,000 में मेरे परिवार का पूरा महीने का भोजन भी चलता है और मेरा परिवार सुखी भी रहता है। मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे भी खुश रहते हैं। मैं आप लोगों से मैं विनती करता हूँ कि आप लोग भी परमेश्वर को दशमांश दीजिए ताकि आपके बच्चे, आपके परिवार खुशी से परमेश्वर में आगे बढ़ सके। सबसे बड़ा चीज़ है कि अगर हम परमेश्वर को देते हैं तो परमेश्वर हमारा मदद करता है। परमेश्वर की आशीष हो। जय मसीह की। ये हमारा छोटा सा परिवार है। हम लोग प्रभु यीशु मसीह में सप्त के दिन प्रभु यीशु मसीह में चर्च में जाते हैं और अपने कमाई का दशमांश प्रभु यीशु मसीह के खत्ते भंडार में देते हैं, और हम लोग को बहुत बड़ी आशीषें मिलती है। सबको जय मसीह। आप सभी को जय मसीह की। सर, परमेश्वर का धन्यवाद हुए कि सुंदर अवसर मुझे मिला कि मैं अपने जीवन के बारे में आप सभी कुछ बता सकूँ। सो मेरा नाम राजा बाबू है, मैं सोनभद्र से हूँ। हम 3 भाई हैं, मेरी मम्मी और पापा भी हैं, मेरी शादी हो गई, पत्नी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं प्रभु यीशु मसीह में कैसे आया और कैसे बढ़ा। हम मैं 3 में पढ़ रहा था तब मैंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना और जाना। उस समय से मेरे परिवार में जो है कि एक प्रभु के दास आते थे, हमने हमारे हम लोगों की दुआ प्रार्थना करते थे, सिखाते थे, यीशु मसीह के बारे में बताते थे। उस समय हम लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया और उस समय लगभग उम्र मेरा 7 या 8 साल उम्र रहा होगा। लेकिन आज परमेश्वर की कृपा से वो लोग भी प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले हो गए हैं। आज हमारे गांव में 30-35 विश्वासी भी हैं। जो लोग पहले हमारा तिरस्कार करते थे आज वो प्रभु में आ गए हैं। सो परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इसके बाद में मेरे जीवन में एक अजीब घटना घटी। जो मेरा भाई, छोटा भाई 12 साल का था, वह मेरा भाई खो गया था। उसके बाद में मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई उसके चिंता में।
कि मेरा लड़का खो गया है। वो बहुत रो रो के मेरी मम्मी पूरी पागल हो गई थी। खाना खाने नहाने पीने का उन्हें कोई मतलब याद नहीं था, लेकिन गांव के लोग मज़ा लेते थे कि आप यीशु मसीह ईसाई बन गए, अपने यीशु से बात, अपने यीशु से प्रार्थना करो कि वो मिल जाए। हमने घुटने पर हम लोगों ने जो रो रो के प्रार्थना किया कि प्रभु मेरा भाई वापस आ जाए, और हमने प्रार्थना भी शेयर किया बहुत लोगों को कि आप लोग हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए प्रार्थना करें। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मेरा भाई 1.5-2 महीने बाद वापस चला आया। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद दिया बहुत बहुत, और मेरा विश्वास धीरे धीरे बढ़ते गया। उसके बाद में 2015 में हमने यूपी पुलिस का फॉर्म डाला था। मैं 5-6 किलोमीटर रोज रनिंग करता था। अचानक मेरे सीने में जो है कि दर्द हुआ पूरे पेट और सीने में, मैं बहुत व्याकुल हो गया कि ये प्रभु मुझे जीवन में क्या हो गया। मैं हमने घर ये बात बताई, मेरे घर के परिवार ने, मेरे पापा ने एक 4-व्हीलर करके मुझे बनारस एपेक्स हॉस्पिटल में लेकर गए। वहाँ पर 11:30 बजे रात को मुझे इमरजेंसी सेवा में जो है डाला गया। मेरे बॉडी की MRI जांच हुआ पूरा। एक दिन के बाद हमारा रिपोर्ट आया। उसमें रिपोर्ट में निकला कि आपके लीवर में 2 गांठें हो गई है। ये बात सुनकर मेरे परिवार में बहुत दुखी हो गए। मैं भी बहुत चिंता हो गया कि परमेश्वर एक कैसी बीमारी है, बहुत आपने बड़ा बीमारी दिया, ये क्या हो गया मुझे। मैं बहुत चिंता हो गया। उसके बाद मेरा दवाई होते गया, जो मेरे पास पैसा था पैसा भी दवाई में चला गया, मेरा ज़मीन भी बिक गया दवाई में, लेकिन मुझे कोई आराम नहीं मिला। बनारस के कई हॉस्पिटलों में मुझे दवा चला, कोई आराम नहीं। फिर जो माना जाना BHU है उसमें भी चला, उसमें भी कोई आराम नहीं। उसके बाद मेरे घर के परिवार ने जो है बहुत परेशान हो गए। लोगों ने बताया कि आप लखनऊ PGI हॉस्पिटल में जाइए, आप सही हो जाएंगे। हम लोगों ने PGI हॉस्पिटल में भी गया। वहाँ के डॉक्टर ने देखा मेरा जाँच, उन्होंने कहा ये तो बहुत सीरियस है, बहुत रिस्क वाला ऑपरेशन करना पड़ेगा, बहुत समस्या है बच्चे को, अभी तो लड़का है। उसके समझ में नहीं, अपने सीनियर डॉक्टर को दिखाए, वो भी बहुत परेशान हुए कि अरे ये तो क्या हो गया है, अभी तो लड़का, ऐसा होना नहीं चाहिए। उसके बाद में उन्होंने मुझे 1 महीने का दवा दिए। वहीं पर एक प्रभु के दास मिल गए, उन्होंने पूछा कि भाई आपको क्या परेशानी है। हमने सारी परेशानी उनको बताया। वो बताया कि आप यीशु मसीह को जानते हैं। हमने कहा हाँ, मैं जानता हूँ, मैं मानता भी हूँ। तो बोले कि शायद आपका विश्वास कमज़ोर हो गया है, इसलिए आपके जीवन में इतनी समस्याएं आ गई। आप प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करें, दुआ प्रार्थना घुटने फूकर करें और परमेश्वर से दुआ मांगें कि परमेश्वर हमें चंगा करे। उसी दिन से उस भाई का हमने बात माना और प्रण भी लिया। वो जो PGI का दवा था 1 महीने का, हमने सिर्फ 8 या 9 दिन हमने दवा सिर्फ उनका खाया। उसके बाद अपनी ये पूरी दवाई हमने अलमारी में रख दिया। हमने खाना मना कर एकदम बंद कर दिया खाना। हमारे घर के लोग बोले कि मत खाइए दवा, क्योंकि मेरी बॉडी और सूखती जा रही थी। धीरे धीरे हमने प्रार्थना भी अपना बहुत लोगों को शेयर किया, और हमने प्रार्थना किया घुटने पर रात। उस दिन का मुझे कोई पता नहीं था कि परमेश्वर मैं तो प्रार्थना कर रहा हूँ क्या कर रहा हूँ। लेकिन 1.5 महीने के बाद में मैंने PGI फिर वापस गया अपनी पूरे बॉडी को जांच कराने के लिए। तो हमारे 30-35 जाँच जो है कि हमारे बॉडी में जाँच, फिर से हमारा जाँच हुआ वहाँ पर। 1 महीने के बाद मेरी रिपोर्ट आया। फिर मैंने 1 महीने के बाद घर से गया, जो भी मेरी जाँचें थी सब नॉर्मल थी। परमेश्वर के हमने बहुत धन्यवाद दिया कि परमेश्वर वास्तव में आप डॉक्टर वैद्यों के वैद्य हैं, मेरे खुदावंद यीशु मसीह, मैंने बहुत धन्यवाद। उसके बाद में हमारा सब समस्या दूर हो गया धीरे धीरे। 2016 में हमें भाई रामविलास के द्वारा एक रिलेशन में संपर्क हुआ। उन्होंने बताया अपने बारे में, हमने बताया। उसके बाद बोले कि आइए, मैं 7th Day एडवेंटिस्ट में काम करता हूँ, मैं सोखरी चर्च में रहता हूँ, आप मेरे यहाँ आइए, दुआ प्रार्थना करिए, हम लोग करते हैं, संगति करते हैं वहाँ पे लोगों से। और धीरे धीरे हमने उनका साथ पकड़ लिया। मैं उनके साथ में जोर शोर से लग गया कि मैं चर्च में आना जाना, विश्वासियों के साथ दुआ प्रार्थना करना। वो मुझे बाइबल से सिखाते भी थे कि शब्द के बारे में और 10 आज्ञाओं के बारे में कि सत्य परमेश्वर कौन है, शब्द के बारे में मुझे बहुत अच्छे से सिखाए। उसके बाद में मैं चर्च में अपना टाइथ ऑफरिंग और चंदा भी मैं जमा करता हूँ सेवखरी के क्राइस्ट चर्च में, सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। उसके बाद 2018 में मुझे अवसर मिला कि मैं 7th Day Adventist चर्च बनारस के लिए, मुझे अवसर मिला जाने के लिए। तो मैं वहाँ पर गया, वहाँ पर 3 दिन का मीटिंग था, मैंने मीटिंग में अटेंड किया। आदरणीय पास्टर लाल के जो प्रीचिंग था मुझे बहुत अच्छा लगा। वो भी हमसे मिले, मैडम भी मिली, मैं मैडम का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ, आदरणीय सर जी का भी, और उनके सर जी का आदरणीय पास्टर सुरेंद्र लाल के द्वारा मुझे 2018 में यह एक परमेश्वर के दास अच्छे हैं, मुझे उनके द्वारा यह गिफ्ट मिला। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धीरे धीरे मेरा विश्वास बढ़ते गया। मैं 7th Day Adventist चर्च के बारे में जाना,
तब से मैं परमेश्वर का काम उसी में कर रहा हूँ, सोनाले एडवेंटिस्ट चर्च के द्वारा, और मैं अपना टाइथ ऑफरिंग दशमांश भी जमा करता हूँ। यही मेरे जीवन की गवाही है। मैं अपने बाड़ी को यहीं पर विराम देता हूँ। आप सभी को जय मसीह की। धन्यवाद। आप लोग को मेरा प्रणाम है, और मेरा नाम श्यामजीत यादव है, और मैं राजापुर का रहने वाला हूँ। और मैं जब से 2016 से मैं परमेश्वर के यहाँ आने लगा, और उसके बाद आने लगा भवन में, और भवन में जब वचन पढ़ा और जब सर की बातें सुना, और उसके बाद से मेरा मन बदलने लगा, और मैं पढ़ते पढ़ते बाइबल, और बाइबल में मुझे मलाकी 3 अध्याय का 10वां पाठ जो मैंने पढ़ा, और उसमें मुझे यही मिला कि 10वां अंश जो देगा उसका बहुत उद्धार होगा, और देकर एक बार देखे। और उसके बाद में मैंने जब याकूब की किताब पढ़ा तो मुझे बहुत आनंदित मिला, और मैं जब से मेरे परिवार वाले और मैं जब से 10वां अंश देने लगा तो मुझे बहुत फायदे दिखाई दिए, क्योंकि मेरे जो काम थे वो अधूरे जो थे वो पूरे होने लगे, और मेरे पढ़ाई में भी कोई दिक्कत नहीं आने लगा, और मेरे जो घर का काम था, कोई भी काम था, जब भी हमें परेशानी आता था तो हम परमेश्वर को प्रार्थना करते थे, धन्यवाद करते थे, तो 10वां अंश देने के हिसाब से कोई काम रुकता नहीं था, कहीं ना कहीं से पैसा की जरूरत पड़ता था पैसा भी आ जाता था, और जो भी काम अचानक नहीं होने वाला था वो अचानक हो जाता था। तो मैंने ये 10वां अंश देकर मैंने यही देखा, और देखने के बाद आज तक ये 2021 है, और 21 में भी हम लोग को बहुत फायदा हुआ, और हम लोग जब 10वां अंश देते हैं तो परमेश्वर को बेहिचक देते हैं, जैसे दिल में ये नहीं रहता है कि हम लोग इतना दे रहे हैं या हमारा क्या होगा क्या नहीं, बस विश्वास कर देते हैं, और कोई काम नहीं रुकता है। बस मेरा यही गवाही है, और यही परमेश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम लोग ईमानदारी से जैसे दे रहे हैं वैसे आगे भी 10वां अंश दें, और देने से जो भी हमें फायदा हो वो परमेश्वर आगे हमें देते रहें, और जो भी हमारा काम बिगड़ रहा है उसको बनाते रहें, यही मेरा गवाही है। धन्यवाद। प्रभु में आप सबको, प्रभु के दास लोगों को जय मसीह की। मेरा नाम यज्ञ नारायण, लक्ष्मणपुर, ग्राम लक्ष्मणपुर, पोस्ट चिकरट्टा, नवगढ़, चकियाँ चंदौली का रहने वाला हूँ। मेरा जीवन प्रभु से पहले बहुत निराशा की ओर था, मैं बीमार था। प्रभु में आने पर लोग मुझसे दूर हो गए, होने लगे, नात बात रिश्तेदार अलग हो गए, हमारे अंदर ऐसी बीमारी थी जिसको कहते TB, और मेरा डॉक्टर बोला था कि इनको 6 साल के लिए दवा करानी पड़ेगी, और हमारा दवा मात्र 3 महीने तक चला, उसके बाद छूट गया। फिर प्रभु की संगति में जाने लगे, भाई रामविलास के द्वारा बताए गए संगति में वहाँ जाने लगे, और प्रभु धीरे धीरे काम करना शुरू कर दिया। वो दवा तो जो भी थी, कोई भी लोकल दवा खाने लगते आराम मिलने लगा। प्रभु का पावर से, प्रभु की प्रार्थना से, यीशु मसीह के आशीष के द्वारा हमको चंगाई मिलने लगी। आज बीमारी नहीं है, जांच कराने पर भी नहीं मिला, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। भाई रामविलास के साथ में आते जाते समय, और भाई अजय, पास्टर अजय के द्वारा प्रभु में कुछ जानकारी मुझे मिली, जो प्रभु के बारे में जाना। इस सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च में प्रभु में एक नया रोशनी दिया, जिसके बारे में कि परमेश्वर का प्रेम, दशाज्ञा और सब दान, 10वां अंश के बारे में। हम लोग तो सिर्फ अपना पेट के बारे में जानते थे, लेकिन प्रभु में सिखाया कि एक दूसरे के लिए भी जीना है। हमारे पीछे भी बहुत लोगों की आशा है कि हम सब प्रभु के में अपना 10वां अंश को जमा करें। और शब्द का दिन के बारे में हमको नहीं मालूम था कि परमेश्वर का कौन सा दिन है जिस दिन परमेश्वर ने आशीष ठहराया है, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि हमारे जीवन को परमेश्वर ने बदल दिया। और काफ़ी विरोधियां हुई, हम लोग को अलग कर दिया गया, और नेवता रिश्तेदारों से दूर होने लगे, लेकिन फिर परमेश्वर ने ऐसा प्रेम दिखाया कि सब लोग फिर से एक में हो गए, और बहुत सारे लोग हमारे घर से संपर्क में जुड़ गए, और प्रभु यीशु मसीह को भी मानना शुरू कर दिए, वो भी चर्च जाना शुरू कर दिए हैं। इसलिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि हमारे जीवन में इस चर्च से हमें आशीष मिली है। गवाही दे रही हूँ कि 7 डे के द्वारा हम लोग परमेश्वर के जाने, और रवि बताएं, रवि डेविड के द्वारा हम लोग परमेश्वर का नाम जाने, और
जो उद्धारकर्ता यीशु मसीह परमेश्वर हैं, वही सत्य मार्ग जीवन है, वही उद्धारकर्ता है, वही सबका उद्धार किए हैं और वही सत्य मार्ग दिखा सकते हैं। लेकिन अब जानने लगे और धीरे धीरे हम लोग इस बात पर चलने लगे, मानने लगे और दशमांश देने लगे और सब सही है, हम लोग अच्छे से हैं, खुश हैं। इसमें परमेश्वर का धन्यवाद हो कि रवि डेविड को सेवंथ डे से यहाँ भेजा गया, हम लोग की परेशानी दूर हो गई और हम लोग बहुत अच्छे से हैं, पूरे परिवार अच्छे से हैं। मेरा नाम सरस्वती है, मैं देवारी चर्च से हूँ। मेरा नाम नैना है, मैं दिनदासपुर जनसा की रहने वाली हूँ। मेरा आज का याद किया हुआ वचन है भजन संहिता 91:1-16, जो परमप्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा सही स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उसका भरोसा रखूँगा। वह तुझे बहेले की जाल से और महामारी से बचाएगा, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शांत पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झीलम ठहरेगी, तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उठता है, न उस मरीज से जो अंधेरे में फैलती है, न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1,000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा, परंतु तू अपनी आँखों से दुष्टों को अंत को देखेगा देखेगा परंतु तेरे पास न आएगा। तेरे तू मेरा संशान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे तेरे निकट आएगा, क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करेगा, वे तुझको हाथों हाथ उठा लेगा, ऐसा ना हो कि तेरे पैरों में पत्थर ठेस लगे, तू सिंह और नाक को कुचलेगा, तू जवान सिंह अजगर को लताएगा। उसने मुझसे इसने किया है कि मैं उसको बचाऊंगा, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा, अपने किए हुए युद्ध का दर्शन दिखाऊंगा। कविता, मैं दिनदासपुर से बोल रही हूँ। आज का याद किया वचन भजन संहिता 82:1-5। परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है, वह ईश्वरों के बीच न्याय करता है। और तुम लोग कब तक टेढ़ा न्याय करते और दुष्टों का पक्ष लेते रहोगे, कंगाल और अनाथों का न्याय छुपाए, दीन दरिद्र का विचार धर्म से करो, कंगाल और अनाथों का बचा लो, दुष्टों के हाथ से उन्हें छुड़ाओ, वे न तो कुछ समझते हैं और न कुछ न बूझते हैं, परंतु अंधेरे में चलते फिरते रहते हैं, पृथ्वी की पूरी नींद रहती है। मेरा नाम प्रीतम, मैं दिनदासपुर से। मेरे पिता का नाम पास्टर विजय कुमार। मेरा याद किया हुआ वचन है आज का भजन संहिता 1:1, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मन में खड़ा होता और न छुट्टा करने वाले की मंडली में बैठता है। वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान लगाता रहता है। यशायाह 54:13 सब लड़के यहोवा से खिलाए हुए होंगे। वचन संहिता 111:10, बुद्धि का मूल्य यहोवा का माया, जितने लोग उसके ज्ञान को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है, उनकी स्तुति सदा बनी रहेगी। आमीन। रचना, मैं बिलासपुर से। मेरे पिता का नाम विजय कुमार डेविड है और मैं अपना याद किया हुआ वचन बोलने जा रही हूँ। यूहन्ना 3:16, जब परमेश्वर ने ऐसा जगत से प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना परंतु अनंत जीवन पाए। महिमा है, मैं बिलासपुर की रहने वाली हूँ। आज का याद किया हुआ वचन है उत्पत्ति 1:3, जब परमेश्वर ने कहा कि उजियाला हो तो उजियाला हो गया। भजन संहिता 23:1, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। भजन संहिता 25:1, हे यहोवा मैं अपने मन को तेरी ओर उठाती हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को जय मसीह की। मैं मिसेस प्रीति दास लखनऊ स्कूल में काम करती हूँ और मेरे हस्बैंड भी इसी स्कूल में काम करते हैं। मेरा एक बेटा है जो कि सेवन डे एडवेंचर स्कूल में ही पढ़ता है। तो हमारा ये एक छोटा सा परिवार है। गवाही देना ये चाहती हूँ कि खुदा ने हमें किस तरह से बचा के और सुरक्षित रखा है और हमें किस तरह से वो हर एक मुसीबत से ढक के रखते हैं, हमें किसी तकलीफ़ में आने नहीं देते हैं। सबसे बड़ी गवाही तो ये है कि आप और हम जो इस जिंदों की दुनिया में ज़िंदा पाए जाते हैं,
इतनी तकलीफ, इतने लोगों की मौत हो गई, इतने लोग इधर से उधर परेशान हुए हॉस्पिटल्स में, कहीं इधर उधर, और कितने लोग इस दुनिया में आज नहीं हैं। लेकिन खुदावन ने हमें, आपको और हमें इस जिंदों की दुनिया में ज़िंदा रखा है। सबसे बड़ी गवाही तो ये है कि हमारे परमेश्वर ने हमें ये दिन दिया है, ये टाइम दिया है कि हम इस और इन दिनों को उनकी गवाही के लिए यूज़ करें, उनके आने के लिए अपने काम को यूज़ करें। उन्होंने हमें क्यों ज़िंदा रखा है, कोई तो हमारे पर्पस होगा उनका हमारे जीवन से। इसे हमें रियलाइज़ करना है, रियलाइज़ करके और हमें उस काम को आगे बढ़ाना है। खुदावन ने अभी इन कुछ महीनों पहले, जब इतनी कोरोना का प्रॉब्लम्स चल रहा था, हर तरफ लोग परेशान थे, डिस्टर्ब थे, बीमार हो रहे थे, डरे हुए थे, कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, लेकिन खुदा ने हमें नहीं छोड़ा। एक दिन ऐसा आया कि एक दिन में सुबह से शाम तक में 7 डेड बॉडियां यहां से पार हुई, और वो दिन जो था हमारे लिए बहुत डिस्टर्बिंग था। हम बहुत परेशान थे क्योंकि हम उन लोगों का रोना बिलखना हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। बार 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 लोग जा रहे हैं और हम ऊपर से खड़े होकर देख रहे थे। फिर हम अंदर आए अपने कमरे में और हमने दुआ की खुदा से। हमने बोला, खुदा इतने लोग हमारे आँखों के सामने सब इस दुनिया को छोड़ के जा रहे, इतनी तकलीफ़ में सब, लेकिन खुदा आपने हमें इतने अच्छे से संभाल के रखा है, इसीलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम परमेश्वर का सचमुच बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। यहाँ अभी लोगों के पास रेंट देने को पैसा नहीं है, बिजली बिल देने को पैसा नहीं, राशन्स के लिए पैसा नहीं है। हमारे घर के ये फर्स्ट फ्लोर वाले लोग घर खाली करके चले गए क्योंकि उनके पास रेंट देने को पैसा नहीं है। लेकिन हमारे परमेश्वर इतने महान हैं कि उन्होंने हमें ये दिया है। हमें पैसा भी, पैसा का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, हमें टाइम से रेंट भी हो जा रहा था, हमें टाइम से राशन का भी अरेंजमेंट हो जा रहा था, बिजली बिल का भी अरेंजमेंट, हर चीज़ खुदा ने हमें टाइम पे दी है। और इस वक्त मैं आपको बस यही बताना चाहती हूँ, खुदा ने हम सबसे कहा है कि एक प्रॉमिस किया है कि तुम टेस्ट एंड सी, मुझे चख के देखो, और यही हमने किया है। हम सब एडवेंटिस्ट, मुझे पता है हम सारे एडवेंटिस्ट इस चीज़ को बहुत भली भांति जानते हैं कि हमारा परमेश्वर जो है कितना महान है, उनके प्रॉमिसेस कितने महान हैं। जब बाइबल में देखिए, मलाकी के किताब में 3:10 में ये लिखा हुआ है, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मैं भवन में भोजन वस्तु रहे, और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करूंगा या नहीं। सचमुच इस टाइम में जब हमारे पास थी प्रॉब्लम्स, फिर भी जो हमारा इनकम था, हमने हमेशा टाइट और ऑफरिंग अपना हमेशा अलग रखा, क्योंकि वो खुदा का पैसा था, वो खुदा का ब्लेसिंग था हमारे लिए। हमने वो दिया और खुदा ने सचमुच हम सबको ब्लेस किया। हम ये हमेशा याद रखें, जब हम खुदा का बात मानते हैं, उनकी आज्ञा मानते हैं, तो उनकी जो ब्लेसिंग्स है हम सब पे हमेशा हमेशा रहती है। इसलिए मैं आप सब से ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि खुदा को टेस्ट करके देखिए, टेस्ट हिम, देखिए कि वो कैसा भला है। जिस तरह उसने हम सबको ब्लेस किया है, उसी तरह आगे भी आप अगर टेस्ट करके देखिए उन्हें, एक बार आप अपनी आप को उनके हाथों में दे के देखिए, खुदा बहुत ही महान है, बहुत दयालु है। हम सबको हमेशा वो एक साथ अपने छत्रछाया में बहुत संभाल के रखेंगे। इसलिए हमारी ये कोशिश होती है कि हम ना सिर्फ अपने टाइट्स और ऑफरिंग, बल्कि हम अपना टाइम भी जो कि खुदा का है उन्हें दें। उनके जब भी कोई काम में, किसी चर्च के काम में या किसी ऐसे काम में, कोई विजिटिंग के काम में, जब हमें मौका मिलता है तो हम उसे ज़रूर करते हैं और खुशी खुशी करते हैं। और यही वजह है कि हम जानते हैं खुदा भी हमें नहीं छोड़ता। जब हम उनका साथ नहीं छोड़ते हैं, चाहे वो हमारा टाइथ और ऑफरिंग हो, चाहे वो हमारा समय हो, अगर हम उसे नहीं छोड़ते हैं तो वो भी हमें कभी नहीं छोड़ता है। वेलकम बैक। आज हम रूथ के जीवन से सीखेंगे कि क्या हो सकता है जब हम परमेश्वर को सर्वप्रथम रखते हैं।
रूत एक मोआबी स्त्री थी और इसीलिए बचपन से उसने कीमोश देवता की उपासना की थी। कीमोश डिस्ट्रॉयर के नाम से जाना जाता था और वह बहुत क्रूर देवता था। दूसरा राजा उसके तीसरे पाठ के 27वें पद में हम पाते हैं कि मोआब के राजा ने कैसे इस देवता को खुश करने के लिए अपने पैलौठे पुत्र की भी बलि दी। परंतु जब रूत का विवाह एक इजरायली पुरुष से होता है तो शायद उसे बहुत अचंभा होता होगा अपनी सास से एक ऐसे परमेश्वर के बारे में सुनना जो परमेश्वर दयालु और कृपालु है, प्रेमी है, और कैसे अपने सामर्थ्य हाथ से अपने लोगों को मिस्र से छुड़ाकर एक आजाद और स्वतंत्र जीवन की ओर कनान देश तक लेकर गया। और इसीलिए शायद रूथ परमेश्वर यहोवा में विश्वास करने लगी थी। परंतु जल्द ही उनके जीवन में एक ऐसा संकट आता है जिससे उनका जीवन बिल्कुल बदल जाता है। 10 सालों के अंतराल में नाओमी अपने पति और अपने दोनों जवान पुत्रों को खो देती है। और इसीलिए नाओमी दया से भर कर अपनी दोनों बहुओं को कहती है अपने अपने घरों को लौट जाओ ताकि तुम एक दूसरा जीवन शुरू कर सको। और वह स्वयं अपने लोगों इज़राइल के बीच में जाने का डिसीजन लेती है। ओरपा चली जाती है लेकिन रूथ जो है वो अपनी सास के लिपट जाती है। अपने जीवन के सबसे अंधियारे भरे इन क्षणों में भी हम देखते हैं रूथ परमेश्वर पर ना तो कोई इल्जाम लगाती है ना शक करती है, परंतु उस पर पूर्ण विश्वास रखकर अपनी सास को ये वचन कहती है जो रूथ पहले बाप और उसके 16वें पद में लिखा है, तू मुझे वापस जाने को ना कहे, जहां जहां तू जाएगी वहां वहां मैं जाऊंगी, जहां तू टिकेगी वहां मैं टिकूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। हो सकता है आज आपके जीवन में भी बहुत संकट, दुख, तकलीफ, मुसीबत, परेशानी, बीमारियां हों, लेकिन रूथ के समान परमेश्वर यहोवा पर अपना भरोसा टिकाए रखें। रूथ का जीवन जो है इमीडिएटली तो सही नहीं हुआ, लेकिन हम जानते हैं उसे अंत में एक बहुत ही लविंग हस्बैंड मिला और उसे एक ऐसा प्रिविलेज मिला जो बाइबल में बहुत कम महिलाओं को मिला। यदि हम मती में अंकित यीशु मसीह की वंशावली देखें तो हम वहां पाते हैं कि कितने पुरुषों की नामों के बीच में, क्योंकि वंशावली पुरुषों के नामों से दर्ज होती थी, रूथ उन चंद महिलाओं में से है जिसका नाम यीशु मसीह की वंशावली में अंकित है। और यह क्यों हुआ? क्योंकि उसने परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दिया। आज आप और मैं रूथ के जीवन से यही शिक्षा ले सकते हैं कि चाहे कितनी भी अंधकार और तकलीफ और विपत्ति की घड़ी क्यों ना हो, हम परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दें, हमें अंत में शांति और सालवेशन, उद्धार जरूर मिलेगा। हम देखते हैं रूथ का विवाह अल्टीमेटली बोआज से हुआ, जिससे ओबेद उत्पन्न हुआ, ओबेद से जैसी और जैसी से दाऊद, जो कि इसराइल का सबसे फेमस और डायनामिक राजा हुआ। आइए इस सप्ताह जब डीकन्स हमारे पास दान और दहकी के लिए आए, हम रूथ के जीवन से शिक्षा लेकर ये सीखें कि हमें अपनी संकटों, विपत्तियों, परेशानियों, कमियों और घटियों में भी परमेश्वर को पहला स्थान देना है। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए परमेश्वर हम सबको आशीष दे। थैंक यू।